झूठ बोलना और फिर वाहवाही लूटना कांग्रेस के नेताओं की पुरानी आदत है। हालांकि राहुल गांधी इस खेल के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन अब उनकी राह पर शशि थरूर जैसे नेता भी चलने लगे हैं। ताजा मामला शशि थरूर से जुड़ा है, जिसमें बिना कोई आर्थिक योगदान दिए उन्होंने वाहवाही लूटने की कोशिश की और पकड़े गए। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 17 अप्रैल 2020 को ट्वीट किया था कि मुझे गर्व है कि मैंने अपनी सांसद निधि में से 1 करोड़ रुपए का उपयोग रिसर्च के लिए किया। इससे तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा इंस्टीट्यूट में कोविड टेस्ट को लेकर सफलता मिली। न्यू टेस्ट किट 2 घंटे के अंदर परिणाम देगी, लेकिन ACCT के पास पैसे नहीं है। लेकिन RTI में खुलासा हुआ है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसके लिए अपनी सांसद निधि से कोई फंड नहीं दिया है। इंस्टीट्यूट ने RTI के जवाब में कहा कि शशि थरूर के सांसद निधि से कोई फंड नहीं मिला है। केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने RTI की कॉपी ट्वीट कर शशि थरूर के कारनामे का खुलासा किया। मतलब साफ है, शशि थरूर ने बिना 1 चवन्नी खर्च किए 1 करोड़ रुपए अपने सांसद निधि से देने का ऐलान कर दिया और वाहवाही लूटने की कोशिश की। और जब थरूर का ये झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली।